नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय 1 AR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके शेयर प्राइसेस आज देख सकते हैं लगभग 8% 8% उछाल देखने को मिल रहा है, और करंटली स्टिल अभी ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, पॉजिटिव मोमेंटम इसमें। देख लो क्या न्यूज है उसको हम लोग चेक करेंगे, और क्या इसे और पॉजिटिविटी देखने को इन फ्यूचर मिल सकती है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला चीज है, कंपनी का मार्केट कैप देखिए 5426 करोड़ का है और काफी करेक्टेड प्राइस है। लगभग 1800 के प्राइस में ट्रेड करती थी एक समय, और अभी गिर करके काफी लो कंपनी ने बनाया था 480 का, देख सकते हैं। और उसके बाद अभी अपने हाई में ट्रेड करी 820 के अराउंड में, तो करंट प्राइस 820 का है। स्टॉक आई पी 112 है, ROC 8.55% है, बुक वैल्यू 167 का है, ROE 3.79%, डिविडेंड 0.0%, और फेस वैल्यू कंपनी का है 4। नजारा टेक्नोलॉजी है, इट्स अ लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म विद द प्रेजेंस ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस इमर्जिंग एंड डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट्स सच एज अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑफरिंग अक्रॉस इंटरक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम। तो ये गेमिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। स्टॉक का पीवाई, मीडियन पीवाई को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए मीडियन पीवाई 123.9 का बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए, और अभी अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड करें 112 का, तो एक ये पॉजिटिव यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेगेटिव क्या है, बुक वैल्यू से काफी पर ट्रेड किया, तो बुक वैल्यू को इस जगह पे नहीं ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी बंद होने के कगार में नहीं है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो स्टॉक का पी काफी अभी अट्रैक्टिव है क्योंकि मीडियम पी से काफी नीचे ये ट्रेड कर रही है। पॉजिटिव न्यूज क्या है उसको मैं रीड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ये है कि नजारा अप्रूव्स प्रिफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू कामत एसोसिएट्स एंड एनकेएस स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव नाम साथ में जुड़ रहा है, कामत एसोसिएट यानी कि जीरोधा के जो मालिक है वो साथ में अब जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर प्रिफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी हो रहा है। तो अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये शेयर्स इश्यू होगा तो किस प्राइस में होगा, किस प्राइस में होगा, एंड प्लस कितना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होगा, परसेंटेज के टर्म में भी उसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए रीड आउट करते हैं। सो नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है एंड इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म टुडे अनाउंस दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स रेस अप टू 100 करोड़। यहाँ पर लगभग 100 करोड़ फंड रेजिंग की बात हो रही है, सब्जेक्ट टू रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड सच रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एज मे बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर अभी अप्रूवल की भी जरूरत है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी अप्रूवल की जरूरत है। तो यहाँ पर 100 करोड़ फंड की इक्विटी रेज अप करने की बात हो रही है, फंड जुटाने की बात हो रही है। तो कंपनी इज प्रपोजिंग टू इश्यू 14,560 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू फॉर ईच एट अ प्राइस ऑफ 714। तो प्राइस को ध्यान दीजिएगा, 714 की प्राइस में होगा ये, एग्रीगेटिंग टू आप देख सकते हैं INR में इस लगभग 100 करोड़ की यहाँ पर बात इश्यू है। प्रोपोर्शनेटली टू कामत एसोसिएट एंड एनकेएस स्क्वायर। उसके बाद है, एज पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिस इक्विटी शेयर विल बी लॉक्ड इन फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने के लिए जब ये अप्रूव हो जाएगा, जब ये 714 के प्राइस में फंड इकट्ठा हो जाएगा, तो ये 6 महीने तक इस शेयर्स को लॉक कर दिया जाएगा, उसको बेच नहीं पाएंगे। द इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश फंड विल बी यूटिलाइज्ड टू इन्वेस्ट इन, तो किस ये फंड जो 100 करोड़ है किस चीज में यूज होगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है। विल बी यूटिलाइज्ड टू इन्वेस्ट इन फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट्स एंटिटीज मीटिंग ग्रोथ एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स ऑफ द कंपनी एज एप्लीकेबल थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी जो बात कर रही है कि जो फंड जो इकट्ठा कर रहे हैं ये यूज हो सकता है फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के लिए, मतलब और दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कंपनी दूसरी कंपनी में निवेश करने के लिए। सो इस तरीके की ये पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है, फंड को यहाँ पर किस जगह पे यूज करने की बात हो रही है। सो यहाँ पर फंड यहाँ पर बाइंग का बात हो रहा है। सो एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, और 6 महीने का लॉकिंग पीरियड भी है, ये एक अच्छा चीज है। 714 के प्राइस में हो रहा है तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस भी है। सो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इस कारण से देख सकते हैं आज इसके प्राइस में लगभग 8% का उछाल भी देखने को मिला है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये पॉजिटिव डेवलपमेंट को देखते हुए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।